आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। ये हमारी भौगोलिक अवधारणा, प्रमुख भौगोलिक अवधारणा श्रृंखला चल रहा है सीरीज, और ये सीरीज हम चलाएंगे और काफ़ी आप लोग के जो भी ज्योग्राफी से संबंधित कॉन्सेप्ट है उसको हम ज़रूर आपको हम क्लियर करेंगे। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं उस पर ये वीडियो बना के दूंगा। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हो, चाहे वो वेदर फिनोमिनन हो, फिजिकल फिनोमिनन हो, कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड संबंधित कोई भी अगर हो, तो आप उसको जरूर हमारे कमेंट में लिखें। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है वो है महाद्वीपीय हॉटस्पॉट है क्या। तो चलिए देखते हैं महाद्वीपीय हॉटस्पॉट आखिर है क्या। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक महाद्वीपीय प्लेट के भीतर अगर कोई हॉटस्पॉट है तो उस जगह आप देखेंगे कि काफी ऊंचाई होगा, हाई एलिवेशन होगा, उच्च ऊंचाई, प्रचुर मात्रा में वहां आपको ज्वालामुखी मिलेगा और वहां महाद्वीपीय स्थानांतरण, महाद्वीप एक दूसरे से हटता हुआ, टूटता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस प्रकार का जो होता है तो उसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय हॉटस्पॉट। इसके आगे अगर हम चले तो हॉटस्पॉट जो होता है वो एक महाद्वीप को दो टुकड़े भी कर सकता है, यानी एक महाद्वीप है उसको दो टुकड़े में अलग अलग कर सकता है और ये निर्धारित करने में भी मदद कर सकता है कि ये कहां से बन जाए, जहां से हॉटस्पॉट हो रहा है वहीं से निर्धारित। तो ये सारी चीजें होती है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो विश्व में वर्तमान हमारे पृथ्वी पे कई ऐसे महाद्वीपीय हॉटस्पॉट है जो अभी सक्रिय है, लेकिन इनमें हम देखेंगे कि दो सबसे प्रमुख है और जो लोग काफी जानते हैं, टूरिस्ट भी लोग भी जाते हैं इस एरिया में, वो है इसमें पूर्वी अफ्रीका का अफार क्षेत्र और पश्चिमी अमेरिका का, यानी पश्चिमी यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन क्षेत्र, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वहीं पे, ये काफी बहुत बड़ा एरिया है। तो ये दो क्षेत्र जो है वो आपको हॉटस्पॉट प्रेजेंट में काफी आपको यहां मिलेगा। तो ये आपको हॉटस्पॉट में, तो इसमें हम देखेंगे पूर्वी अफ्रीका के बारे में थोड़ा देखें कि ये आखिर है क्या। ये आप देखिए, ये मैप है आपका पूर्वी अफ्रीका और ये जो दिखाई दे रहा है वो आफार रीजन है। तो ये आप देखिए, तो यहाँ आपको इस तरह का हॉटस्पॉट मिलेगा। तो ये हॉटस्पॉट के पास जो है अरब सागर है, लाल सागर है, अदन की खाड़ी है और इस तीनों के साथ अफ्रीका इससे दूर हो रहा है। और इनमें देखेंगे समुद्र के नीचे क्या है, सागर नितल का फैलाव हो रहा है, महासागरीय भूपरपट्टी बन रही है और अपसारी प्लेट यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री जो होता है, डाइवर्जेंट अपसारी प्लेट बाउंड्री लाल सागर में दरार के साथ है, जो लाल सागर में जो आप देखेंगे रिफ्ट जो हो रहा है वो, और उसी तरह से ये लाल सागर से होते हुए फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है अदन की खाड़ी में, मुड़ जाती है अदन की खाड़ी के मध्य जिगजैग करके महासागरीय कटक का निर्माण करता है। ये देखिए गल्फ ऑफ जो अदन लिखा हुआ है वहां देखिए जिगजैग किस तरह से, तो वो जिगजैग करके आपको वहां आपको दिखाई देगा और इससे क्या होगा कि ये जिगजैग महासागरीय कटक यानी ओशेनिक रिज बनाता है। ये एरिया, ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ से आया आपको रेड सी से, लाल सागर से, और ऐसे यहाँ से आपको ये अदन की खाड़ी में चला गया। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है आपको, इसी तरह देखें तो ये देखिए, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहा है, चूंकि ये अपसारी बाउंड्री है तो अपसारी एंड डाइवर्जेंट प्लेट है तो एक दूसरे से अलग हो रहा है। तो चलिए आगे हम इसी में देखते हैं। तो ये अफार क्षेत्र, ये जो है अफार क्षेत्र आपको दिखाई देगा। तो इसमें क्या है, लाल सागर है, अदन की खाड़ी है और पूर्वी अफ्रीका का ब्रंच यानी पूर्वी अफ्रीका का जो रिफ्ट है, ये तीनों आपको स्पॉक की तरह, तो ये एक पहिया के तीन तिलियों की तरह आपको दिखाई देगा। ये देखिए वो आपका ईस्ट अफ्रीका, ये वाला ईस्ट अफ्रीका है, वो अदन की खाड़ी है और वो आपका लाल सागर। ये तीनों को अगर आप देखते हैं तो ये अफार क्षेत्र है, अफार क्षेत्र जो वहां का हॉटस्पॉट, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये आपको दिखाई देता है। तो यहां आप देखेंगे तो अफार क्षेत्र जो है अभी पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। हम जानते हैं जैसे कि रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर क्या है, वो सागर में, यानी आपको प्लेट और कॉन्टिनेंट के बाउंड्री पे आपको मिलता है, लेकिन जो अगर महाद्वीप पे अगर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आपको कहीं मिलता है तो वो तो एक, जैसे कि आपको बताया, ये ईस्ट अफ्रीकन क्षेत्र में आपको मिलेगा और आपको एक येलोस्टोन पार्क में है। तो अफार क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ हाल ही में कई ज्वालामुखी विस्फोट का अनुभव किया गया और कई विस्फोट हाल ही में हुए हैं। तो ये क्षेत्र काफी आपको एक्टिव क्षेत्र है, ये जो अफार आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं इसी में।
और देखते हैं कि ये महाद्वीपीय हॉटस्पॉट विकसित कैसे होते हैं, यानी ये जो बन रहे हैं कैसे विकसित होते हैं, इसकी कहानी क्या है, ये बनता कैसे है, फिर ये किस तरह से महाद्वीप को दो टुकड़े में बांट देता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो कई महाद्वीपीय हॉटस्पॉट का निर्माण समान निर्माण क्रम से गुजरता है, मतलब एक ही प्रोसेस जो अभी बताएंगे वही प्रोसेस से ये आपका जो भी कॉन्टिनेंटल हॉटस्पॉट होता है आपका होता है, और यही आपको प्लेट बाउंड्री का निर्माण भी करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, डोमिंग होता है, यानी जो नीचे से जो गर्म गर्म गर्मी आता है, मेंटल से जो मेंटल प्लम आता है उससे वो क्या होता है ऊपर हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, तो डोमिंग डोम के तरह मतलब आपका गुंबद के तरह हो जाता है, डोमिंग होता है। इसके साथ शुरुआत होती है और फिर फाइनली वो रिफ्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन का निर्माण करता है, यानी ये महाद्वीपीय मार्जिन या कॉन्टिनेंटल मार्जिन का निर्माण में ये समाप्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप फिर क्या होता है, एक नए महासागर का निर्माण बन जाता है। यानी अब अभी जैसे मैंने अफ्रीका का हम एग्जाम्पल दिए, तो अफ्रीका में आज से 10 मिलियन साल बाद एक नया महासागर बन जाएगा, तो नया महासागर का निर्माण होता था। अब ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, एबाइसल प्लेन क्या होता है, अगर ये सब आपको जानना है तो आप मुखर्जी नगर में भी क्लास में हमारे शामिल हो सकते हैं, और आपको जामिया में भी मेरा क्लास चल रहा है, जामिया के पास सुबह स्टडी IAS कोचिंग है, वहां चल रहा है, वहां भी आप। तो वहां भी आप एडमिशन ले सकते हैं, काफी अच्छा माहौल है, और आपको एकदम मतलब समझिए कि आपको वहाँ के ऐसे माहौल मिलेगा कि आप आराम से सिविल सर्विस आराम से निकाल सकते हैं, वहाँ फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो आगे हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आखिर ये बनता कैसे। तो नंबर एक में जो हम देखेंगे, नंबर एक में ये अपलिफ्ट होता है, ये जो आप देख रहे हैं अपलिफ्ट, यानी ये ऊपर उठता है। तो जैसे ही ऊपरी मेंटल और क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और क्रस्ट गर्म होता है, तो सतह पर एक व्यापक गुंबद, एक डोम बन जाता है, का उत्थान होता है, और डोमिंग क्रस्ट के खिंचाव के साथ आमतौर पर हॉट स्पॉट से निकलने वाली तीन दरारों के साथ टूटना शुरू हो जाता है। अब ये देखिए तीन दरार आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखिए एक यहाँ पे दरार हुआ, एक दूसरा, एक दो और एक, ये तीन। तो ये तीन दरार आपको यहाँ दिखाई देगा और ये गुंबद की तरह हो गया। अब दूसरा स्टेज जो होता है, जो अभी आफार क्षेत्र में आपने देखा, ठीक वैसा ही आपका दूसरा जो है ये एरिया है। अब दूसरा बात क्या होता है कि दरार तीन भाग में बट जाता है और तीनों भुजाएं भ्रंश से घिरी होती है, यानी जो भ्रंश होता है उसका उससे घिरी होती है, यानी जो रिफ्ट होता है उससे घिरी होती है, और जो डाउन ड्रॉप लॉन्ग फॉल्ट के ब्लॉक होते हैं, यानी डाउन ड्रॉप जो नीचे वाला होता है उसके ब्लॉक, और यही डाउन ड्रॉप बेसिन जो है बाद में इसमें झील का निर्माण हो जाता है। अभी आप देखेंगे अफ्रीका के पास तो जैसे कि टैंगानिका झील है, और ये सारी जो झीलें हैं वो उसी रिफ्ट वैली में बनी है, कालांतर में जैसे कि मैंने बताया 10 मिलियन साल बाद ये अलग हो जाएगा, और बीच में जहाँ झील है वहाँ आपको महासागर मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं थर्ड स्टेज में क्या होता है। तो थर्ड स्टेज में देखिए इस तरह से हो जाता है कि आपका महाद्वीपीय जो होता है पूर्ण विस्थापन हो जाता है, यानी महाद्वीप का पूर्ण अलग अलग हो जाता है, और दो भुजा जो होता है, जो जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कि दो एक दूसरे से अलग हो रहा है, और तीसरा जो फेल रिफ्ट वैली होता है जो इनएक्टिव है, जैसे कि सऊदी अरबिया वाला एरिया जो आप देख रहे थे आफार क्षेत्र, वो इनएक्टिव है, तो वो इनएक्टिव होता है, लेकिन ये दो जो एक्टिव होता है इसमें टूट के अलग हो जाता है, और जैसे ये अलग हो जाता है तो इसका परिणाम एक नया महाद्वीपीय मार्जिन यानी कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये जो देख रहे हैं ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, और न्यू ओशनिक बेसिन फॉर्म होता है, और एक नए महासागर बेसिन में फैलने वाला महासागर नितल भी बन जाता है, यानी आप फिर आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग शुरू हो गया। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, हैरिस ने किस तरह से दिया, इसको हिंदी में कहते हैं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। तो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, ये सारी चीजें हैं, किस तरह से आया, किस तरह से थ्योरी डेवलप हुआ, वेगनर किस तरह से बोल रहे थे, टेलर किस तरह से बोला था, अगर ये सारी चीजें जानना हो तो आप हमारे क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर हमारे इस पे दिया होता है, वो आप देख सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फाइनल स्टेज में फिर होता क्या है। तो फाइनल स्टेज इस तरह का बनता है, और फाइनल स्टेज में क्या होता है, जैसे जैसे सागर नितल का प्रसरण जारी रहता है तो नए महाद्वीपीय
सॉरी नए महासागरीय स्थल मंडल का जो ओशेनिक लिथोस्फीयर होता है उसका निर्माण होता है, और इसके कारण मध्य महासागरीय कटक समुद्र की ओर बढ़ता जाता है। अब जो मिड ओशेनिक रिज था वो धीरे 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 समुद्र की तरफ बढ़ा। ठीक आज से जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब आप पढ़ेंगे तो अफ्रीका और क्या था साउथ अमेरिका एक में मिला हुआ था, वहां इसी तरह से हॉटस्पॉट हुआ, वो टूट गया। टूटने के बाद क्या होगा कि नया ओशन फिर अटलांटिक बना, और अटलांटिक के बीच में मिड ओशेनिक रिज बना जो मिड अटलांटिक रिज अभी आप देख रहे हैं। तो अभी कितना दूर है, लेकिन आज से अगर आप जाएंगे 100 मिलियन या 150 मिलियन साल पहले तो वो काफी अफ्रीका के नजदीक था। तो जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे वो दूर होता चला जाता है आगे बढ़ता। तो ये है आपका ओशेनिक कॉन्टिनेंटल हॉटस्पॉट यानी महाद्वीपीय हॉटस्पॉट। तो ये था महाद्वीपीय हॉटस्पॉट के बारे में। और अगर कोई कॉन्सेप्ट आप ज्योग्राफी में जानना चाहते हो जो आपको समझ में नहीं आता हो, चाहे वो वेदर से क्लाइमेटोलॉजी से हो, ओशेनोग्राफी से हो, जियोमॉर्फोलॉजी से हो, या कुछ भी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। अगर आप इसको शेयर करेंगे, हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ज़्यादा व्यू अगर होगा, तो आप सोच सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, किसी दूसरे के मोहताज नहीं रहेंगे, और हम पूरी मेहनत से और वीडियो आपको लाएंगे, और आप मुफ्त में अच्छी से अच्छी क्लास लेंगे, और हो सकता है कि आप नहीं, लेकिन अगर आप चाहते भी हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे कोचिंग है मुखर्जी नगर में जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जामिया में भी अभी नया में क्लास शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।